आजकल त्योहारों का सीजन है और बिलासपुर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर परिषद की टीम ने तहसीलदार जय गोपाल के नेतृत्व में पुलिस दल सहित दुकानदारों का सामान सड़क से हटाया। सड़क पर पड़ा सामान दुकानदारों ने इधर उधर बिखेर रखा था, जिसे तहसीलदार ने तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए, क्योंकि आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है तो बाजारों में काफी रौनक है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानदारी के लिए सामान सड़क पर भी लगा देते हैं। उसे उठाने के लिए तहसीलदार जय गोपाल ने सख्त निर्देश जारी किए और पुलिस बल सहित सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे इस त्योहार के सीजन में सड़क पर सामान न लगाएं और शहर की सुंदरता बनाए रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी आनंदपुर साहिब मार्ग पर कोलावाला टोबा के समीप देर रात श्रद्धालुओं की एक इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। हालांकि गाड़ी में सवार श्रद्धालुओं ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब श्रद्धालु पंजाब के रोपड़ के रहने वाले श्रद्धालु अमनप्रीत माथा टेक कर वापस जा रहे थे तो कोलावाला टोबा के पास अचानक उनकी इंडिगो गाड़ी में आग लग गई। हालांकि उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचित किया और पुलिस को भी सूचित किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। फायर चौकी प्रभारी राजकुमार ने बताया कि रात 12:20 पर गाड़ी को आग लगने का समाचार मिला, जिसके बाद एकदम से फायर चौकी से चालक संदीप कुमार, फायरमैन पवन कुमार, फायरमैन राकेश कुमार घटनास्थल के लिए निकले और 12:40 पर घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। प्रदेश में उपचुनावों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। हमीरपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने उपचुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की बात की है तो बीजेपी के बहुमत से जीतने का दावा भी किया है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस धर्मशाला में दूसरे नंबर पर भी नहीं आएगी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व देने वाला नहीं है, इसलिए कांग्रेस आज हताश और निराशा में नेता बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। साथ ही नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल में प्रदेश की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर हो रही बयानबाजी पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इन्वेस्टर मीट को करवाने का सीएम जयराम ठाकुर का बहुत बड़ा प्रयास है और इससे प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के लिए 3,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, जिससे टूरिज्म बढ़ने के साथ प्रदेश सुदृढ़ होगा। नरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में टूरिज्म को बढ़ाने के साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है, जिसके कारण प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सोलन में दमकल विभाग दिवाली को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसलिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दमकल विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। शहर में लगे वाटर हाइड्रेंट्स की जांच की जा रही है। कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। दमकल विभाग के वाहनों को दुरुस्त कर हमेशा तैयार रखा जा रहा है, ताकि दिवाली के समय में किसी भी तरह की घटना से तुरंत निपटा जा सके। अधिक जानकारी देते हुए दमकल विभाग के प्रभारी आर बागता ने बताया कि उनके विभाग में दिवाली तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी 33 कर्मचारियों को हमेशा चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि 3 हाइड्रेंट्स खराब हैं और बाकी सभी चालू हालत में हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे पटाखों को गलियों में न चलाएं और हवाई पटाखा तो बिल्कुल भी न चलाएं, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बेहद बढ़ जाता है।